বলছি এতদিন তো আপনি ক্রিকেট খেলেছেন, অনেক ভালো জায়গায় পজিশনে ছিলেন এবং জিতেছেন অনেক খেলাতে, এই খেলাটা কি এবারে কি কঠিন মনে হচ্ছে? देखिए ये खेला में भी बहुत लंबा अरसा हो गया हमको। हमारे पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके साथ में भी चुनाव लड़ते थे। हम खुद 3 बार MP रहे, 1 बार MLA रहे। हमने बहुत देखा है चुनाव। तो चुनाव देखते हुए अभी जिस तरीके से ये हमारे विरोधी लोग आए हैं, ये आतंकवाद इन्होंने फैलाना शुरू किया है, ये समझ जाएँ कि हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने कल हमारे एक कार्यकर्ता को, अर्णव सेन को, वर्धमान उत्तर में उसका सिर भांग दिया, 3 ठो स्टिच लगा है, ये ना समझें कि ये बहुत बड़े बदमाश हैं यहाँ के। इनकी बदमाशी 1 मिनट में दिलीप घोष और इनकी टीम की ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरा यही रहेगा कि प्रेम से रहें, अच्छे से रहें, सौहार्द में रहें, बढ़िया से रहें और आगे अपना चुनाव लड़ें जिस तरीके से लड़ना चाहते हैं। कल तो दिलीप घोष ने कहा था मातृशक्ति सीएम के पिताजी के नाम पे भी, ये इनकी मानसिकता है, ये बेहुदापन है। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, जो बहन की इज्जत नहीं करता, जो बेटी की इज्जत नहीं करता, जो ये कहता है कि दुर्गा माँ का माँ बाप कौन है नहीं मालूम, जो देवी माँ का इस तरीके से बदनाम दिलीप घोष जैसा आदमी करता है, वह दीदी के बारे में बोलता है कि क्या है, ऐसे आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को लोग कैसे सहता है ये समझ में नहीं आता। सावधान रहे, यहाँ पर सावधान रहे, कोई हम हाथ बांध करके नहीं खड़े हैं। दिलीप घोष, तमीज़ से रहो, बढ़िया से रहो, अच्छे से रहो, जैसे समाज में लोग रहते हैं। ये बदतमीजी तुम्हारे यहाँ पर नहीं चलेगी। दुर्गापुर वर्धमान के लोग तुमको यहाँ से ऐसा उड़ाएंगे कि वापस दोबारा तुम इस यहाँ का शक्ल नहीं दिखा पाओगे, पूरे बंगाल से हटा दिए जाओगे। पिछला जो MP था तो इतना मार्जिन में जीता, इस बार क्या? देखिए, आलूवालिया जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं और उनको नई टिकट मिला, उनका दुर्भाग्य है। उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, उनसे मेरा संबंध अच्छा रहा है और हम उनकी इज्जत करते हैं। इस भी कांगसा के वोटर को क्या कहेंगे? कांगसा के वोटर को कहेंगे कि आप लोग जिस प्रकार से दीदी की अलग अलग योजनाएं हैं, केंद्र सरकार जो हमारे साथ अन्याय कर रही है, जो पैसा हमारा आना चाहिए बंगाल का, हिस्से का हमारा, वो पैसा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये भी पूछेंगे जब आए दिलीप घोष कि आप लोगों ने पार्लियामेंट में केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी से लड़ाई क्यों नहीं की, जो बंगाल का हक पैसे का है वो क्यों नहीं लेके आए। ये भी बताए दिलीप घोष कि जो पैसा हमारा बकाया बंगाल का है, क्या बंगाल उनके लिए परदेसी है? क्या बंगाल का लोग परदेसी है दिलीप घोष के लिए? वो बताए कि उसने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, पैसा क्यों नहीं लेकर के आया, जो हमारा 1,60,000 करोड़ रुपया बकाया है, उसके बारे में बात नहीं करेगा। यहाँ आकर के मारपीट करेगा, बदमाशी करेगा, ये बदमाशी उसकी नहीं चलेगी यहाँ पर, ये ध्यान रखे इस चीज़ का, उसकी बदमाशी 1 मिनट में बंद कर देंगे। मैंने पता सी गा किए थे, बहुत ही पुराना प्रसिद्ध साढ़ा गुरुद्वारा है, मैं दिल्ली च रहा, मेरे ते गुरमुखा का सिखा का बहुत प्रभाव रहा बचपन तो। मैं जो 9 साल का सी क्रिकेट सीखना शुरू किया सीगा, तो मेरे जेड़े गुरु सी सरदार गुरचरण सिंह जी, उन्होंने मैं शिक्षा दीक्षा दी। मैं सारी क्रिकेट जेड़ी जिंदगी च खेली, वर्ल्ड कप जितया, मैं वो गुरु के चरणों च मैं उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिता है।